हेलो दोस्तों, ऑटोट्यूब इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एमजी मोटर यानी मॉरिस गैराज की लॉन्च होने वाली अगली इलेक्ट्रिक एसयूवी की। एमजी हेक्टर के बाद अब मॉरिस गैराजेस अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में लेकर आ रहा है और जिसका लॉन्च दिसंबर 2019 तक हो जाएगा। भारत में बढ़ते हुए पॉल्यूशन और इंडियन गवर्नमेंट का मेन फोकस एनवायरमेंट को देखते हुए एमजी मोटर्स ने भारत में इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने जा रहा है। आपको बता दें, ये कार का ग्लोबल मॉडल है, यानी चाइना, एशिया और यूरोप सब जगह ये सेम कार ही मार्केट में नजर आएगी और चाइना मार्केट में ऑलरेडी इसकी बुकिंग शुरू भी हो गई है। आपको बता दें, एमजी मोटर्स का ये जो ZS मॉडल है ये वर्ल्ड वाइड काफी सक्सेसफुल रहा है और अब एमजी इसमें इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च कर रहा है। इलेक्ट्रिक कार के अपने काफी फायदे होते हैं, जैसे कि इसकी रनिंग कॉस्ट काफी कम होती है, काफी इकोनॉमिकल पड़ता है और साथ ही मेंटेनेंस भी इसमें कार का काफी लो होता है। और जो सबसे बड़ी बात होती है कि इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी इसको प्रमोट कर रही है, क्योंकि उनका जो टारगेट है कि 55,000 कारों तक, फोर व्हीलर तक वो सब्सिडी देंगे। वैसे भी भारत में इलेक्ट्रिक कारें काफी किफायती इसलिए भी हो जाती हैं कि एक तो गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देता है और साथ ही जो इसका रजिस्ट्रेशन होगा वो बिल्कुल फ्री होगा। तो यानी ओवरऑल देखें तो गाड़ी ऑन रोड आपको लगभग 20% दाम में कम पड़ती। साथ ही एमजी का ZS मॉडल आपको बता दें कि ये इंडिया में ही बन रहा है और इसमें जर्मन इंजीनियरिंग और जर्मन मटेरियल्स का पूरी तरह इस्तेमाल हुआ है। आपको जान के हैरानी होगी कि इलेक्ट्रिक होने के बाद भी ये कार काफी पावरफुल है। यानी अगर स्पीड एक्सेलरेशन की हम बात करें तो 0 से 50 ये सिर्फ 3.1 सेकंड में पहुंच जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें एडवांस परमानेंट मैग्नेट सिस्टम लगाया गया है और इसके अलावा जो इसका इलेक्ट्रिक मोटर है वो काफी पावरफुल होगा, क्योंकि उसमें लेटेस्ट वाइंडिंग यूज की गई है जिसको हेयर पिन वाइंडिंग डिजाइन बोला जाता है, जिससे इसका जो पावर आउटपुट है वो लगभग 140 BHP का मिलता है और 350 NM का टॉर्क हमें मिल जाता है इस कार। वहीं हम रेंज की बात करें तो एक बार फुल चार्ज होने में ये कार 428 किलोमीटर चल सकती है, ऐसा कंपनी क्लेम कर रही है। लेकिन जब इसका एक प्रैक्टिकल टेस्ट यूरोप में किया गया तो ये कार 335 किलोमीटर चल पा रही थी एक सिंगल चार्ज। इसके अलावा इसमें एक रैपिड बैटरी चार्जिंग सिस्टम भी रखा गया है, जिससे आप 30 मिनट के अंदर 80% बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। देखिए, ओवरऑल ये एक इलेक्ट्रिक कार है तो इसमें सारा खेल बैटरी का होने वाला है, क्योंकि आखिरकार हमें आउटपुट उसी से मिलने वाला है। तो इसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है और उसके साथ इसमें एक बैटरी कूलिंग का सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। इंडिया में जो वेदर कंडीशन है वो काफी हीटेड भी हो जाता है, तो इसलिए उसमें एक कूलिंग सिस्टम लगाया गया है जिससे कार की बैटरी कूल रहे और एक अच्छा आउटपुट दे सके। वहीं इसके पैरेलल एक इसमें इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी लगाया गया है कि अगर आप एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन यानी माइनस डिग्री में, जीरो से नीचे माइनस डिग्री में जाते हैं, तो वहां पे आपको ये इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम बैटरी को नॉर्मल कर सके ताकि वो अपना सही आउटपुट दे सके। आपको बता दें, इस बैटरी को टेस्ट भी किया गया है कि अगर हम इसको डेली यूज करते हैं और डेली चार्ज करते हैं तो ये बैटरी 8 से 10 साल बाद आपको चेंज करने की नौबत आएगी। साथ ही इसको 1.5 फीट तक वाटर वेडिंग टेस्ट भी किया गया है, जिससे इसमें बारिश या आप कभी किसी पानी भरे हुए इलाके में अगर आप चलाते हैं तो इसमें कोई शॉर्ट सर्किट ना हो सके। डायमेंशंस की बात करें तो साइज में ये कार, आपको बता दें, जो कॉम्पैक्ट एसयूवी का रेंज आपको भारत में नजर आ रहा है, जिसमें आपको मारुति की ब्रेजा, एक्सयूवी 300 और हुंडई की वेन्यू नजर आती है, उससे ये कार बड़ी होने वाली है। यानी किया सेल्टोस और हुंडई क्रेटा के सेगमेंट में उसके साइज में ये कार नजर आने वाली। फीचर्स और इंटीरियर की बात करें तो अंदर से काफी ये कार अपग्रेड मार्केट आपको महसूस होने वाली है। इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ, लेदर और काफी कुछ सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा ये कार, बट ऑब्वियस है, इलेक्ट्रिक है तो ऑटोमेटिक होने वाली है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलेगा, अच्छा म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाएगा क्योंकि एमजी मोटर्स की ये कार है, तो इसमें एयर बैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जरूर रहेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना में बुकिंग शुरू हो गई है और इसमें जो वारंटी ऑफर की जा रही है वो 8 साल की वारंटी ऑफर की जा रही है और इसके साथ ही 1.5 लाख किलोमीटर तक आप इस कार को चला सकते हैं अंडर वारंटी। ये तो हमें MG हेक्टर में भी देखने को मिला, क्योंकि इंडिया में भी जब MG हेक्टर को लॉन्च किया गया
तो उसमें 5 साल की वारंटी और अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक के लिए वारंटी दी गई है। जब इंडिया में दिसंबर में ये कार लॉन्च होती है और उसमें ये सारे फीचर्स मिलते हैं तो ये एक अच्छा पैकेज साबित होने वाला है। वैसे आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक कार अगर आपका जो डेली सिटी यूज होता है वो उसके लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है, लेकिन आप ये भी एक बात जान लें कि भले ही ये एक SUV है लेकिन आप इससे कोई ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते। आप इसको महिंद्रा थार और मारुति की जिप्सी और फोर्स की गोरखा जैसे नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन आप सिटी यूज में या थोड़ा बहुत अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो उसमें ये कार आपको काफ़ी अच्छी साबित होने वाली है। अब इस कार के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज साबित होने वाला है वो कि इलेक्ट्रिक कारों का भारत में कोई ऐसा खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना ही ऐसे कॉमन चार्जिंग पॉइंट्स हैं जहां आप आराम से इन कारों को चार्ज कर सकें और कहीं भी ले जा सकें। लेकिन भारतीय गवर्नमेंट का इंटरेस्ट देखते हुए ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसका हल जल्दी कुछ पॉजिटिव निकलने वाला है, क्योंकि वहीं हुंडई भी अपनी इलेक्ट्रिक SUV कोना लॉन्च करने वाली है जो जुलाई में लॉन्च होने वाली है। वहीं टाटा ने भी अपनी 10,000 टिगोर कार गवर्नमेंट को टेस्टिंग के लिए दे रखी है। इसके बाद वो नेक्सन भी इलेक्ट्रिक लाने वाले हैं और इसके अलावा किया भी एक सोल के नाम से एक मिनी SUV इलेक्ट्रिक लॉन्च करने वाली है। ऐसे में जब ये बड़ी कंपनियां इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं भारत में आकर, तो जाहिर तौर पे गवर्नमेंट भी इसका एक पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालेगी और जल्दी ही लोगों की सोच बदलेगी और वो इलेक्ट्रिक कार्स पे भी जाना शुरू कर देंगे। और अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, क्योंकि ये चाइना में इसकी बुकिंग शुरू हो गई है तो वहाँ पे ये कार 12,13,000 रुपए से शुरू हो गई है। और अगर 12 से 15 लाख के बीच में ये SUV इंडिया में लॉन्च होती है तो ये अर्बन मार्केट का एक अच्छा पैकेज साबित हो सकता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए जिससे हम जो भी अगला वीडियो रिलीज करेंगे वो आप तक तुरंत पहुँचे।